चलिए इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मंत्री जयवीर सिंह आज से विदेश दौरे पर रहेंगे। साउथ कोरिया जापान के दौरे पर जाएंगे डेलीगेशन। मंत्री आशीष पटेल भी विदेश दौरे पर जाएंगे, वैश्विक स्तर पर करेंगे यूपी की ब्रांडिंग। जीआईएस को सफल बनाने के लिए मंत्री का विदेश दौरा जारी। फरवरी में होने वाला है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। एसीएस अमित मोहन, सीईओ अरुणवीर सिंह भी जाएंगे जीआईएस में। विदेशी निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां जीआईएस में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश के कई बड़े मंत्री विदेश दौरे पर हैं, जिनमें जयवीर सिंह भी आज जो है विदेश दौरे पर रहेंगे। साउथ कोरिया जापान के दौरे पर जाएंगे। इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सीनियर करेस्पॉन्डेंट शशांक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शशांक, जीआईएस में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश से कई मंत्री गए हैं, कई अधिकारी जो है जाने वाले हैं, और ये उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग विदेशों में जाकर करेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सजग है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का दंका देश में नहीं बल्कि विदेशों में बज रहा है। चाहे राम मंदिर की बात कर ले या अन्य किसी की बात कर ले। अब लोग चाहते हैं मुख्य बात पर कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका पूरा कैबिनेट और अधिकारी, जो सीनियर आईएएस अधिकारी वो सब संजीदा है। इससे पहले जो विदेश दौरा हुआ था उसमें कैबिनेट उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गए हैं और निषाद जी वहां पर गए हुए हैं, वो वहां पर समझ रहे हो कल रोड शो होना था। दूसरी बात, आज की अगर बात कर ले तो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जो जयवीर सिंह है उनका, क्योंकि उनका विभाग भी आता है, आज भी वो विदेश दौरे पर आएंगे। साउथ कोरिया जापान के दौरे पर उनका डेलीगेशन जाना, उनके साथ में आशीष पटेल जो प्रौद्योगिक शिक्षा मंत्री है वो भी विदेश दौरे पर जाएंगे। वैश्विक स्तर पर यूपी की ब्रांडिंग करना सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है और जो जनवरी में होने वाला इतना बड़ा बजट है, जो सरकार ने 240 करोड़ रुपए का बजट दिया है जी। उस बजट से उत्तर प्रदेश को निखारने का, संवारने का, रोजगार देने का और रोजगार के नए आयाम स्थापित करना सरकार की मंशा है, जिसको लेकर के ये एक बड़ा सफल माना जा रहा है कि आयोजन के लिए जिस तरह के अथक प्रयास किए जा रहे हैं। जीआईएस को सफल बनाने के लिए मंत्रियों का विदेश दौरा बहुत ही ज्यादा जारी है और लगातार अभी भी क्रम में 7-7 दिन यानी 3-3 दिन का दौरा है और अलग अलग मिनिस्टर जाएंगे बाहर, जो लोग हैं की आमंत्रित करी जो विनती करते हैं उनको उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए और यहाँ पर जिस तरह से होने वाले साथ ही साथ ग्लोबल समिट करें, अमित मोहन सिंह और अरुण सिंह भी उनको जाना है। जीआईएस में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। फरवरी में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब सरकार की प्राथमिकता हो गया और साफ तौर से ये कहना गलत नहीं होगा कि इससे पहले यूपीजा के सीईओ अभिषेक प्रकाश और कई जगह जिलाधिकारी रहे वो भी वहां पर हैं, तो अधिकारियों का जो पूरा बेड़ा है, जो बड़ा बेड़ा है वो विदेशों में है और अलग अलग देशों में अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी लगा करके एक उत्तर प्रदेश सरकार ये एक मैसेज देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, उत्तर प्रदेश में रोजगार कैसे हो, उत्तर प्रदेश में रोजगार कैसे स्थापित हो, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार कैसे प्रदान किया जाए, उत्तर प्रदेश में बाहरी विदेशी कंपनियां, जो हमारे लोग उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे, भारत से बाहर जाते थे काम करने के लिए, वो उनको बाहर ना जाना पड़े, पलायन की स्थिति ना मजबूर हो, क्योंकि यहाँ से जाकर वहाँ वो काम करते थे, अपने परिवार से दूर रहते थे, अपने घर वालों से दूर रहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पहल है उसमें एक चीज स्पष्ट होकर सामने आती है, इस पहल के बाद में लोगों को विदेश नहीं जाना पड़ेगा बल्कि विदेशी कंपनियां युवाओं के लिए उनकी क्षमता को उपयोग के लिए खुद उत्तर प्रदेश में आएंगे। बड़ा और सराहनीय कदम, जिसका फायदा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश वासियों को, उत्तर प्रदेश के युवा वर्ग को और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मिलेगा। अश्विता, बिल्कुल बिल्कुल शशांक, और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो दौरा है ये आम दौरा नहीं, ये कुल मिलाकर बहुत बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के लिए लाने वाला है और उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के लिए भी ये दौरा अहम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो
बड़ी खबर हमने आपको उत्तर प्रदेश से बताई, जहां जीआईएस में शामिल होने उत्तर प्रदेश के कई आला अधिकारी, कई बड़े नेता, मंत्रीगण जो है विदेश दौरे पर जाएंगे। और अभी हमने हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट शशांक श्रीवास्तव से बात की, उन्होंने बताया कि कैसे ये दौरा जो है बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए। दौरा जो है कई बड़ी सौगातें लेकर आने वाला है।